आज पाजी मैंने बिट्टू शर्मा को पटाकर ना नौकर बना दिया, बस मेरी शादी पक्की हो जाए फिर मैं भी किसी को बोल सकूं एक कप चाय लाना प्लीज। लगता है लड़की वाले आ गए, लड़की वाले आ गए, सब ठीक है ना? एक मिनट, एक मिनट है भाई। हाँ जी, हाँ जी, राजू ओबराय यही रहता है? हाँ जी, इधर रहते हैं। जब बुला के लाओ जल्दी। मैं भी आया। मैं ही हूँ राजू ओबराय, मैं ही हूँ। हाँ, शक्ल से तो ऐसा लग गया है सुबह हल्का होने को पटरी पे जाता दिखे। भाई ये ओबराय इनके घर की खुद की पटरियाँ होंगी। अच्छा, शर्म नहीं आ रही? घर में लिफ्ट तक नहीं लगवाई? लिफ्ट की क्या बात है, चार ही तो सीढ़ियाँ हैं। अरे नाम सर ने धर लिया ओबराय है, घर में चार सीढ़ियाँ हैं। अरे हमारे घर में देख 200 सीढ़ियाँ हैं। हाँ, उन्हीं पे चढ़ चढ़ के तो घिसी है ये। अरे भाई पहली बार मिली और लड़ना शुरू कर दिया तुमने, बात होती है? अरे चुप रहो तुम। अरे जो करना ना पहली बार में ही कर लेना चाहिए, फिर यूं कहेंगे ये कि भाई शादी के बाद ब्याह के बाद बदल गए। तुम भी तो बदल गए हो। यो, मेरे में क्या कमी है भाई? एक मिनट, कमी है विटामिन डी के अलावा क्या धरा है शरीर में? था क्या थारे पास है भिखारी कहीं के है? मेरे पिताजी ने करोड़पति बनाया इन्हें, बताओ शहर की छोरी को ब्याह के गांव में चले गए ये। ओ वैसे फैमिली कैसी भी हो कोई ना कोई गरीब निकल ही आता है। खैर वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए आपको यहाँ तक आने के लिए तकलीफ तो नहीं हुई? अरे क्या तकलीफ नहीं हुई, क्या तकलीफ नहीं हुई? फ्लाइट में ना तो कोई एयर होस्टेस थी, न्यू कहने को वेलकम आई आपका स्वागत है, हैं? ना किसी ने कुर्सी की पेटी बांधने को कहा, ना किसी ने चाय पानी को पूछा हमें। टेक ऑफ और लैंडिंग भी नहीं हुई। अरे हाँ वो क्योंकि तू बस में आई है। एक मिनट, तुम हमें बस में लिया है? तुम हमें बस में लिया है? लिया है। मित्तल खानदान की छोरी को बस में लिया है? अरे जिसे सारी दुनिया बस में ना कर सकी उसे बस में लाए। आज चलो तुम घर, घर चलो, सारी बिल्लियां ना छोड़ी ना मैंने मुंह नोचने को तो ऊसा नाम ना है मेरा। नहीं नहीं ऐसा मत करना, दोनों की शक्ल एक जैसी हो जाएगी। कहने का क्या मतलब हो रहा है, मेरा चेहरा जो है बिल्लियों ने नोच खाया है? वही। नहीं 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 नहीं, आप तो खूबसूरत ही बहुत हैं। एक मिनट, हमारे घर में शीशा है आईना है, खूब पता है मैं कितनी खूबसूरत हूँ। अरे मित्तल खानदान की छोरी हो रहे हम, पैसे की कोई तंगी ना है हमारे यहाँ, समझ में आया? अरे यार तुम बेवजह गरम हो रही हो। अच्छा तो इब मैं गरम होने की वजह ढूंढती फिरू कहाँ? अरे मैं तो बचपन से ही हॉट हूँ, आई एम हॉट। तुम्हारे जैसे चूल्हे जैसा मुंह नहीं है ना मेरा, वरना मैं भी हॉट होता। इससे अच्छा तो मैं माइक्रोवेव ले आता। मेरे किस्मत फूट गई। अरे मैं धरा गया। अरे तारी किस्मत क्या फूट गई, पछता तो मैं आ रही हूँ। अरे तू क्यों पछता रही है, पछताना तो मुझे चाहिए। मैं क्यों पछता रही हूँ तो नहीं पता, पर पछता रही हूँ यो पता है मुझे। ओहो आप यहाँ पर लड़िए मत, बाहर जाकर एक दूसरे को तलाक दे देना। आप यहाँ पर बैठिए, आपके लिए अभी चाय पानी का प्रबंध करता हूँ। छोटू जल्दी ला, अदरक डलवा लियो। छोटू छोटू माई सेल्फ बिट्टू शर्मा। हाँ जी मेरा नौकर, आप चाय रहने दो। छोटू चाय कप में डालो। इनकी चाय मत बनाना, इनको डॉक्टर ने मना किया है। अरे डॉक्टर ने कदम मना किया मुझे चाय पीने को? याद नहीं शादी से पहले तो डॉक्टर को कह रहे थे चलो चाय पे चलते, डॉक्टर ने मना कर दिया था। अरे काश वह चाय पी लेता तो ये जहर मुझे ना पीना पड़ता। एक मिनट, एक कप खोलती हुई गर्म चाय मिलेगी? लेकिन आप तो चाय पीती नहीं है। ना इनके थोड़े में फेंके मारनी है मुझे। छोटी छोटी बातें छोड़ो जी आप। ऐसा है मैं कोई छोटी छोटी बात नहीं करती। हाँ मित्तल खानदान की छोरी हो रही हूँ, हमारे घर में अगर सब्जी भी आवे ना रसोई में तो ये बड़े बड़े टमाटर आया करे। ये बड़े बड़े तरबूज होते हैं, टमाटर इतने से होते हैं। अरे अब के कहूँ, छोटी चीज़ें अलाउड नहीं है हमारे यहाँ। तो आपके टाइम पे क्या हो गया था फिर? एक मिनट, आप इतने बड़े आदमी, आपके घर में कार है? दो दो है जी। इनकी छाती में चलवाओ।
भाई साहब आपके पास माचिस है? हाँ, है? इनको बंद कर दीजिए उसमें। देख लिया, ये इज्जत हो रही है हमारी। छोरी देखने आए हैं, ये इज्जत हो रही है हमारी। एक मिनट, छोटू मेहमानों के लिए कुछ ऐसा लेकर आओ जो आज तक इन्होंने देखा हो। आपका मुंह तो देख लिया, और क्या लेके आऊं? अरे यार ये कैसा बदतमीज नौकर है, इसको नौकरी से निकाल के नहीं देते। क्या करें, आजकल अच्छे नौकर मिलते ही कहाँ पर। बिल्कुल नहीं मिलते थे अच्छे नौकर। आजकल जो नौकर मिलते ना चाय बनानी ना खाना बनाते हैं, मुंह उनका देखो तो ऐसे लगता है जैसे किसी ने पैर से सिगरेट बुझाई हो। ऊपर से नौकरों की शादियों की बड़ी पड़ी है नौकरों को कि शादी करनी है, शादी करनी है। साहब जी आप कैसी बातें कर रहे हो? साहब जी नहीं, मेरे कहने का मतलब आपने साहब से कैसी बातें कर रहे हो तुम? कदर तुम भी अच्छा कर लेते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो है वो नहीं है, जो नहीं है वो है। क्या मतलब हो रहा धरा? मतलब हाँ। मतलब देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो पनीर होता है देखने में पनीर होता है लेकिन बनता तो दूध से है ना। लेकिन दूध दूध थोड़ी ना होता, दूध तो दही भी बनता है। तो दही जो होता है, दही भी तो बेसिकली दूध होता है ना, तो दूध तो खोया भी बनता है। तो प्रॉब्लम काफी है। अरे खोया पनीर दूध दही क्या लगा रखा, मेरे तो दिमाग की दही होगी। अच्छा होगा दिमाग की दही होगी, क्योंकि पहले भूसा भरा था। साउंड क्यों बंद किया? एक तो साउंड बंद कर दो ना तो ढेंग ढेंग पता चल जाता है। नहीं, 100 रुपया देने आई थी आपको। पता क्यों दिया है? क्योंकि मैंने आपको बैंड्रा में डांस करते देखा था सड़क पे एक बार। तब मैं दे नहीं पाई, मैं गाड़ी में थी। मैं तब भी दे सकती थी लेकिन ना कोई बड़ा स्टार गाड़ी से उतरे तो भीड़ लग जाती है। वैसे आपको पता आपकी फिल्म में मस्तानी मैं ही बनने वाली थी। सच्ची मैं ही हूँ मस्त मस्तानी। मैंने बहुत सारी फिल्में भी की है, जीजा की जवानी, साली मस्तानी। उसमें जो साली है ना वो मैं बनी थी, लेकिन ना बंसाली साहब ने मुझे 2 दिन शूटिंग कराई और फिर निकाल दिया। कहते घोड़ों के सारे चने तू ही खा जाएगी तो घोड़े क्या खाएंगे। लेकिन दिल के बहुत अच्छे हैं, फिर भी उन्होंने मुझे रख लिया। कहते जंग में जो घोड़े जख्मी हो गए ना तो उनको एम्बुलेंस तक लेके जाई। फिर मैं घोड़ों को ऐसे करके उठाती थी और हॉस्पिटल छोड़कर आती थी। वैसे एक बात बताऊं, मैंने एक बार उनको देखा भी था, घोड़े को ऐसे पकड़ के कह रहे थे देख भैया जैसे ही मैं एक्शन बोलूं एक्सप्रेशन सही देना। मैंने कहा हेलो बंसाली सर, मैं क्या वो घोड़ा है आप उसको क्यों बता रहे? कहते नहीं रणबीर के साथ मैंने काम किया उसका मुझे पता है, इसको समझा रहा हूं कोई तो सही करे। बहुत बड़े बड़े लोग शूटिंग देखने आते थे हमारे, पता रणबीर एक बार ना ये भी आई थी आलिया भट्ट, आते ही बंसाली साहब को कहती आप चीटर हो, आपने गलत किया ऐसा, ये रूल के खिलाफ है। उन्होंने कहा क्या हुआ भाई? कहते घोड़ा 2.5 चाल चलता है, आपने तो भगा दिया इसमें। क्या बात है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ सुपरस्टार रिपोर्टर। यू नो मैं बड़े बड़े स्टार्स का इंटरव्यू लिखता हूँ, पता है। पर आज मैं किसी स्टार का नहीं, रणवीर का इंटरव्यू लेने आया हूँ। क्या होता है, तुम क्या हंस रहे हो? सुपरस्टार है वो, मेगा स्टार है वो। लेकिन दीपिका का इंटरव्यू मत लेना। क्यों? उसकी सारी बातें मुझसे पूछ लेना, क्योंकि मैं भी तो दीपिका जैसी दिखती हूँ। तू दीपिका जैसी दिखती है? हाँ। कहाँ से? अरे जितना टाइम उसको पैर से लेके ऊपर तक देखने में लगता है ना, उतना ही टाइम मुझे घूम के देखने को लगता है, समझे? ये सारी बातें छोड़, तेरे को पता है दीपिका ने इस फिल्म में एक्शन किया है तलवार के साथ? अरे भैया वो एक्शन नहीं है, मैं बता दूं दीपिका वो क्या था, ऐसे तलवार लेके भागती है ना वो बंसाली साहब के पीछे भागी थी। क्योंकि बेचारी का चेक ही नहीं दे रहे थे, गुजराती है इसने कहा वो कहते ये ले चेक। पता क्यों क्योंकि हमारा भी प्रोड्यूसर गुजराती है ना, आप तो तलवार लेके भागी थी, उसने चेक दे दिया, हमारे जब तक कट ना मारो ना वो चेक ही नहीं देता। बट एक पर्सनल बात पूछनी थी, तो रणवीर को जानती है ना? बहुत अच्छी तरह। ये रणवीर का रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? अरे सब लोग यही कहते हैं बहुत ऑनेस्ट है, अरे बिल्कुल भी झिझकता नहीं, सबको बताता कि यस मैं हूँ रिलेशनशिप में, और आज भी यही बोलेगा, दीपिका के साथ बैठे हैं और ये दिल खोल के बोलेंगे कि यस मैं हूँ रिलेशनशिप में अर्जुन कपूर के साथ। यार भारती तू तंग मत कर यार,
ढंग की बातें कर यार, ढंग की बातें कर। मैं एक सवाल बताता हूँ। फिल्म में ना इन्होंने बहुत सारे जानवर यूज किए। बहुत क्यों? हाथी घोड़े इतने यूज किए कि जब ट्रेलर देखो ना ऐसे लगता है हाथी घोड़े मेन लीड है या जूनियर आर्टिस्ट है। तूने एक बात बता, इनकी एक फिल्म आई थी लुटेरा, तूने देखी? हाय 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 क्या कमाल की फिल्म थी। मेरी फेवरेट फिल्म है वो। मेरी खुद की फेवरेट है यार। जब मैं फिल्म देख के बाहर आई ना थिएटर से, हर एक बंदे की जुबान पे एक ही था, लुटेरा लुटेरा। ऑब्वियसली इतनी अच्छी। एक मिनट, फिल्म अच्छी थी तो लोग लुटेरा लुटेरा बोल रहे थे? फिल्म का तो मुझे पता नहीं अच्छी अच्छी, लेकिन लुटेरा लुटेरा इसलिए बोल रहे थे और कह रहे थे हमारे 300 रुपए लुटेरा, हमारे 300 रुपए लुटेरा, हमारे 300 रुपए लुटेरा। यार उनकी ज्यादातर फिल्में हिट रही हैं भारतीय से। कमाल, मतलब बंदे ने आते ही छा गया है। पहली फिल्म बैंड बाजा बाराती सुपर हिट, दूसरी फिल्म लेडीज वर्सेस रिकी बेल, ओए होए, मैं कहती हूँ एक्टिंग में दम है अनुष्का शर्मा की, कमाल करती है। यार चल तू एक्टिंग छोड़, इनका हेयर स्टाइल देखा फिल्म में? तेरे को पता है बाजीराव हेयर स्टाइल फेमस हो गया है। मत बात कर, मेरा आज भी यहाँ पे दुखता है पता। कल की बात है, मैंने 3 गंजे देखे, मैंने क्या बात है, ट्रेलर आए और बाजीराव का देखो हेयर स्टाइल फेमस हो गया। इतना मारा ना सर मेरे को, कहते हमारा दादा मर गया, तेरे को बाजीराव सूझ रहा है। देख मैं हर बारी बोलता हूँ ज्यादा हो गया, लेकिन मैं आज नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता तू इनसे तो, अरे अपना दोस्त है, उनको पता है कि भारती किसी के बाप से नहीं डरती। दीपिका आपको पता है क्या? दीपिका मुझे कितने गुस्से से घूर रही है यार, मैं सुंदर हूँ तो मैं क्या करूँ दीपिका। ये ना ये हो जाता है पता है रणवीर, ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब भी कोई हीरोइन मुझे देखती है, उनकी इतनी जलन होती है ना, कहती काश मैं भारती जैसी क्यों नहीं हूँ, मेरा फिगर ऐसा क्यों नहीं है। ना भैया इस जन्म में तो ऐसा फिगर मिलेगा नहीं दीपिका, तुम्हें तरसती रहोगी ऐसे फिगर के लिए। क्यों सुरेश जी? अरे मस्तानी जी, अरे मस्तानी का ऐसा लगता है साउथ इंडिया में किसी की शादी और एक हाथी सजाया हुआ है। और उन्हीं शादियों में बाहर गरीब लोग नहीं खड़े रहते, कब खाना खुलेगा फिर?